अजमेर के गंज थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डालकर व्यापारियों को धमकाने के मामले में हिस्ट्री शूटर आकाश सोनी के साथ ही उसके दो साथी मुल्ला उर्फ लाखन सिंह और प्रदीप को भी गिरफ्तार किया। मुल्ला और लाखन ने आशीष को पिस्तौल सप्लाई की थी, इस एक पिस्तौल की को भी जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को आज मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्होंने न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए गंज थानाधिकारी भिकाराम काला ने बताया कि आरोपी आकाश सोनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी द्वारा एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डालकर व्यापारियों को धमकाया गया था और उसकी निशानदेही पर चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे हथियार भी बरामद हुए हैं। इस मामले में पूछताछ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों मुल्ला उर्फ लाखन व प्रदीप को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। आज इन तीनों को पूछताछ के बाद मेडिकल मुआयने के लिए भेजा गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इस मामले में मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता वरुण चौधरी और कुंदन नगर में किराए का मकान दिलाने वाले अमन दिवाकर भी की तलाश जारी है। आकाश सोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, अजमेर शहर के जाने माने व्यापारियों को धमकाया और बाद में हथियारों सहित पोस्ट डाली, इसके कारण उसके उस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा IPC की धारा 384, 505, 506 और आर्म्स एक्ट में 3/25, 5/25 और 3/27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और बाद में पूछताछ की, तो पूछताछ में सामने आया कि उसके साथ में कौन कौन है। उसमें दो गिरफ्तारियां और भी, मुल्ला लाखन सिंह उर्फ लखी और प्रदीप जो उगरा घाटी अजमेर का रहने वाला, उनको अरेस्ट किया। और मुल्ला ने आकाश सोनी को अजमेर में आकर के हथियार दिया, उस हथियार को लेने के लिए आकाश सोनी और प्रदीप गए और उन्होंने उससे हथियार लिया, जो हथियार बरामद कर लिया गया। क्या क्या कौन सा देसी पिस्टल है सर, और खाली मैगजीन। इस तरह की कार्रवाई होगी इस मामले में, अब आगे क्या पुलिस कार्रवाई रहेगी? आगे अनुसंधान जारी जी, और कई खुलासे होने की संभावना है। हाँ, और भी नाम बताया, कुछ नाम बताए तो आगे कार्रवाई अनुसंधान जारी है।